हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस? दो टाइप की हम फोर्सेस की बात करते हैं। कब? जब आप वर्क से रिलेटेड बातें करते हो। अदरवाइज फोर्सेस तो बहुत तरीके की हैं, लेकिन जब टॉपिक वर्क का आ जाए तो दो तरीके की फोर्स है। एक है कंजर्वेटिव, एक है नॉन कंजर्वेटिव। क्या मीनिंग है इनका? जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं उनके द्वारा किए जाने वाला वर्क, वर्क डन बाय दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय अ बॉडी। जो ये फोर्सेस होती हैं, इनके द्वारा जो वर्क करवाया जाता है वो वर्क किसी मोशन में बॉडी की सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है कि बॉडी कहां से शुरू हुई और कहां पहुंची। अब वो बीच में रास्ता कैसा कवर करके गई है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता था, सीधा था, गोल गोल घूम के गई है, उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। जबकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जब हम डेफिनेशन करेंगे तो वहां पे वो पाथ पे डिपेंड करती है। वहां पे वर्क डन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने रास्ता कैसा लिया है इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक जाने के लिए। तो पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स की, आपको और क्लियर हो जाएगा। लिख लीजिए, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय फोर्स depends only initial and final position of body, not depends on path followed by बॉडी। इसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं कि अगर वर्क डन किसी फोर्स के थ्रू किया हुआ सिर्फ बॉडी की इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करे, वो पाथ पे इंडिपेंडेंट हो, या फिर कह सकते हो नॉट डिपेंड ऑन द पाथ कि उसने पाथ कैसा फॉलो किया, वो होते हैं हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस। प्रूफ हम इसका करेंगे, पहले एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल में आता है हमारे पास, एक ही एग्जांपल मैं आपको बताऊंगा, बाकी के अगर नेम्स लूंगा तो आप उनके बारे में भी जानते नहीं हो। जैसे कि हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये सारी कंजर्वेटिव है, लेकिन हमने अभी इनके बारे में डिटेल में नहीं किया, क्लास 12th में हम करेंगे। जो आपने पढ़ा है, जो आप 11th में पढ़ोगे, वो है आपके पास एग्जांपल में ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वो फोर्स है जो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, इसको कोई मतलब नहीं है कि वो सीधा आती है बॉडी। कोई चीज पेड़ पे से अगर कोई चीज टूट के नीचे गिरी है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने उसको खींचा है, तो ये सिर्फ इस चीज पे डिपेंड करता है। ये इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वो ऊपर से सीधा नीचे आना चाहिए। अब वो सीधा नीचे गिरा या किसी पेड़ की टहनी पे से घूमता हुआ टेढ़ा होके आया, कैसे भी आया, वो पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। ये चीज हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तो जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं उसकी एक हेडिंग है, एक स्टेटमेंट है, वो नोट कर लीजिए कि शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर। शो दैट ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। अब ये चीज हमें शो करके दिखानी है, जो आपको एग्जांपल दिया और जो बोला, अब हमें वो चीज प्रूफ भी करनी है। तीन केसेस हम मान के चलेंगे, उन केसेस पे अलग-अलग पाथ फॉलो कराया जाएगा बॉडी को, और फिर हम ये वर्क डन निकालेंगे तीनों ही केसेस का, और हम ये शो कर देंगे कि तीनों केसेस में जो आपने वर्क डन निकाला है वो तीनों केसेस का सेम आया। पहला केस देखिए, कोई बॉडी ए पॉइंट पर थी, ये ग्राउंड फ्लोर है,
ग्राउंड है आपका, तो बॉडी का वेट डाउनवर्ड लाई करता है mg। हमने उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाई तो उसने h हाइट कवर की और वो पहुंच गई किस पे, b पॉइंट पर। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बॉडी a है जो b के पास जा रही है, हाइट h को कवर करेगी, फोर्स f लगी है और फोर्स को अपोजिशन में जो बैलेंस कर रहा है वो वेट क्या है, डाउनवर्ड है mg। ये फर्स्ट केस है आपका। तो हम अब लिख लेते हैं इसके बारे में। देखिए फॉर केस फर्स्ट, वर्क डन इन मूविंग बॉडी फ्रॉम ए टू बी। देखिए अब ध्यान से, यहां पर W1 नाम दिया हमने क्योंकि पहले केस का वर्क डन निकालने जा रहे हैं। किसके इक्वल होता है वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। डॉट लगाया है हमने, इसलिए जब आप एफ एस डॉट हटाओगे तो आपको लिखना पड़ेगा कॉस थीटा। अब वो नाइन्थ वाला काम नहीं है कि आप कॉस थीटा को भूल ही जाओगे, यहां तो थीटा आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप देखिए सबसे पहले फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड ऊपर लेके जा रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी क्या है, अपवर्ड, बॉडी ऊपर जा रही है। दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो थीटा हो जाएगा जीरो, तो कोस जीरो होता है वन, तो इसलिए आप इसको सिंपल क्या लिख सकते हो, एफ एस लिख सकते हो। अब एफ को कौन बैलेंस कर रहा है, फोर्स को तो बैलेंस कर रहा है एम जी, तो एफ की जगह लिख दिया आपने एम जी। डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है, ए से बी तक एच, तो एस की जगह रख दिया आपने एच। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये वर्क डन है जो तब हुआ जब बॉडी ए से बी तक पहुंच गई स्ट्रेट पाथ में एच हाइट कवर करके, तो इतना वर्क डन हुआ है हमारे पास। अब हम दूसरा केस लेंगे, तीसरा केस लेंगे, वहां पर पाथ अलग अलग होगा लेकिन रिजल्ट हमें क्या दिखाना है, एम जी एच ही आना चाहिए। तब हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है क्या है, कंजर्वेटिव नेचर। सेकंड देखिए, सेकंड केस, ये हाइट थी हमारे पास h ग्राउंड फ्लोर से, वही हाइट जो यहां थी, लेकिन बॉडी सीधा जाने की बजाय इंक्लाइन प्लेन से गई, ये a और ये b पॉइंट। अब जो बॉडी गई है वो इस रास्ते से गई, अब बॉडी सीधा ऊपर नहीं जा रही, इंक्लाइन प्लेन से जा रही है और मान लेते हैं ये जो एंगल है ये है थीटा। किसी टाइम पर बॉडी यहां पर है तो उसका वेट होगा डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन होगा उस पे परपेंडिकुलर, और फिर वेट को बैलेंस करने के लिए आप यहां थीटा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, यहां हो जाएगा mg sin थीटा। अब आपके लिए ये नई चीजें नहीं है, अब आप उनको अच्छे से जानते हो कि हमने क्या किया है। यहाँ पर हमने नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए mg को रिजॉल्व किया है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हो गया mg cos थीटा, ये हो गया mg sin थीटा, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है एफ वो ऊपर की तरफ जा रही है, आपको ध्यान रखना है, और बॉडी भी ऊपर की तरफ जा रही है तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ऊपर की तरफ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये है केस सेकंड। नाउ केस सेकंड, वर्क डन इन, यहां नाम दे देते हैं हम, ये मान लीजिए, अच्छा ए और बी हमने पॉइंट मान दिए, वर्क डन इन मूविंग ऑन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन पे मूव करने में वर्क डन कितना होगा, देखिए ध्यान से, W2 नाम दिया जो इक्वल होगा F S cos थीटा, वर्क डन तो यही होगा F S cos थीटा। अगेन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अपवर्ड, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, सो एंगल बिटवीन देम इज जीरो, अगेन cos 0 इज 1 एंड इट कम्स आउट टू बी fs। now we have to put the value of f and s from the diagram, look at the diagram, f this force is balanced by a factor mg sin theta, replace f with mg sin theta, what is s, s is displacement a to b, so we put
the term AB in place of S. Now this work done is different from this one. यहां MGH है, यहां MG तो है, लेकिन H की जगह एक AB दिखाई दे रहा है आपको, जो कि H के इक्वल नहीं है, क्योंकि H तो ये है. दूसरा, एक साइन थीटा का फैक्टर और आ गया है, तब आपको इसमें कुछ करना पड़ेगा ताकि ये इसके साथ मैच कर जाए. What can we do? We have to find the value of sin theta from that diagram and put it into it. अब देखिए, MG, sin theta किसके इक्वल होता है? Perpendicular by hypotenuse. In this diagram, perpendicular is H, hypotenuse is A to B. A B लिख सकते हैं क्योंकि हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, हम A B ही use कर रहे हैं इसकी जगह पे. तो साइन थीटा की जगह आप लिखोगे परपेंडिकुलर एच अपॉन में हाइपोटेन्यूज ए बी, और एक ए बी ऑलरेडी ऊपर है पहले से, देन दिस कैंसिल आउट और आपके पास रिजल्ट में फिर अगेन क्या आ गया, एम जी एच. सेकंड केस में भी आपका जो वर्क डन है वो सेम रहा, फर्स्ट में भी एम जी एच था और सेकंड में भी एम जी एच आ चुका. थर्ड केस हम करने जा रहे हैं, लेकिन थर्ड केस के लिए मुझे डायग्राम रब करने पड़ेंगे दोनों, ध्यान से देखिएगा. तीसरा केस, केस थर्ड में हम बॉडी को हाइट तो एच ही कवर कराएंगे, वही हाइट एच यहां भी बॉडी कवर करेगी, लेकिन अब हम बॉडी को स्टेप वाइज कवर कराएंगे, जैसे स्टेयर्स होती हैं आपकी. ये इतनी हाइट h1, ये वाली h2, ये वाली h3, और मान लेते हैं ये वाली हाइट क्या है, h4 है. बॉडी यहां से शुरू होगी, स्टेयर्स को चढ़ते चढ़ते फाइनली जब पहुंचेगी तो टोटल हाइट कितनी कवर हो रही है, h. हाइट तो उतनी ही कवर होगी, हाइट पे तो वो ग्राउंड से लेवल पे h पे ही गई है, पर पाथ क्या है, डिफरेंट है. पहला स्ट्रेट सीधा जाना, दूसरा इंक्लाइन जाना, और तीसरा हम कैसे जा रहे हैं, स्टेप वाइज जा रहे हैं. इस केस में देखिए, अब केस थर्ड, वर्क डन इन मूविंग स्टेप वाइज पाथ, वर्क डन लिखते हैं यहां पर W3, किसके इक्वल होगा, ध्यान से देखिए. यहां पर यहां हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पाथ का वर्कडन निकाल के उनको ऐड करने वाले हैं. अगर आप सारी चीजें भूल जाओ डायग्राम में, सिर्फ H1 पे फोकस करो, ये कुछ नहीं है यहां पर, तो ये जो इतना पार्ट है, क्या आपको पहले केस की याद नहीं दिला रहा कि फर्स्ट केस में भी बॉडी यहां से यहां जा रही थी, स्ट्रेट पाथ पे जा रही थी. फिर आप H2 को, H1 को भूलो तो H2 पे फोकस करो, ये भी तो स्ट्रेट लाइन है अपवर्ड, ये भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन है, यानी कि इसका वर्क डन तो हम पहले निकाल चुके हैं. फर्स्ट केस में आपने वर्क निकाला था एम जी एच, दिस वन, लेकिन यहाँ एच की जगह क्या लिखोगे, एच वन. तो ये जो वर्क होगा ये इक्वल होगा एम जी एच वन, फिर दूसरे का ऐड कर देंगे एम जी एच टू, एम जी एच थ्री, एम जी एच फोर, अगली ही लाइन में आप एम जी कॉमन लोगे तो अंदर रह जाएगा एच वन एच टू प्लस एच थ्री और एच फोर, और टोटल को अगर ऐड करेंगे एच वन एच टू एच थ्री एच फोर को, तो हाइट किसके इक्वल आने वाली है, एच के इक्वल आने वाली है. तो ये थर्ड केस भी आपके पास आ जाएगा एम जी एच. तो तीनों ही केसेस में हमने ये प्रूफ कर दिया कि पाथ चाहे कोई भी हो, कंजर्वेटिव जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसकी वजह से वर्क क्या आ रहा है, आपका सेम आ रहा है. तो लास्ट में आप एक लाइन लिख लोगे, हेंस वर्क डन इज सेम, सो वी प्रूव दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स. ये हमने शो करके दिखाया इस एक एग्जांपल को, ग्रेविटेशनल फोर्स को. नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की हमारे पास सिर्फ डेफिनेशन है जो हम साथ साथ कर लेते हैं ताकि टॉपिक यहीं ओवर हो जाए, वर्क का आपका टॉपिक यही ओवर हो जाएगा इस यूनिट का. इसके बाद पावर स्टार्ट करने वाले हैं हम. तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है,
ये वो फोर्स है जो पाथ पे भी डिपेंड करती है कि आपने पाथ कैसे कवर किया है। डेफिनेशन रहती है वो हम अभी लिख लेते हैं। अगर आप हेडिंग डालना चाहते हो तो हेडिंग डाल सकते हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना।